सुनते हो पर समझते नहीं। वतायो संत का असली नाम वतन मल्ल था। उनके पिता मेलाराम अपने संयुक्त परिवार के साथ ताजपुर पंजाब के उमरकोट सिंध में जाकर बस गए थे। वहीं सन 1930 के आसपास वतायो संत का जन्म हुआ था। एक बार वतायो संत किसी यात्रा पर निकले थे। राह कच्ची थी, उस पर धूल उड़ रही थी, सूरज की तपस जोरों पर थी। चलते चलते उन्हें बड़ी थकान महसूस हुई। वे ईश्वर से बोले, अब तो कोई सवारी दिलाओ ताकि अपनी शेष यात्रा आराम से कट जाए। यह कर वतायु संत अभी थोड़ा आगे चले ही थे कि मुल्क के हाकिम का एक सिपाही दिखाई दिया। सिपाही की घोड़ी ने रास्ते में ही बच्चा जना था। सिपाही ने तुनक कर आवाज दी, अरे यहाँ आओ, इस बच्चे को लाद कर ले चलो। वतायु संत ने आनाकानी की तो सिपाही ने उसे चाबुक दे मारा। विवश होकर वतायु संत ने घोड़ी के बच्चे को कंधे पर लाद लिया। आगे आगे कंधे पर बोझ से सिर झुकाए हुए वे बढ़ रहे थे और उनके पीछे पीछे घोड़ी पर सवार झूठी शान से सिर ऊंचा किए हुए सिपाही जा रहा था। जब वतायु संत सिपाही की चौकी पर कंधे पर से घोड़ी के बच्चे को उतार कर बाहर आए तो उन्होंने ईश्वर को संबोधित करते हुए कहा, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मुझे सवारी के लिए घोड़ा दिलाओ या मुझ पर घोड़ा सवार कर दो? सुनते हो पर समझते नहीं हो।